नमस्कार, मैं हूँ आपकी यूट्यूबर मौसी और आज आपको बताऊंगी ये सुंदर सा दीवार पर लगाने के लिए चित्र बनाना। इसको मैंने कढ़ाई करके बनाया है। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ करना चाहिए। कहा भी जाता है, खाली बैठे कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिला कर। तो चलिए ये सुंदर सा फोटो फ्रेम बनाते हैं। इसको आप चाहे तो इस फ्रेम में ही रहने दीजिए या फिर इसको बाहर से फ्रेम करा लीजिए और दीवार पर लगाइए। और हाँ, जो मेरी एज की लेडीज़ हैं उनके लिए तो ये टाइम पास का बहुत ही सुंदर साधन हो सकता है। मैंने क्या किया, एक पुराना ब्लाउज पीस पड़ा हुआ था तो जिसको मैंने सिलवाया नहीं था, तो मैंने उसको लिया और उसको काट करके इस फ्रेम में लगा लिया और फिर अपने हाथ से इस पर ये चित्र बना दिया। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप कार्बन कर लीजिए इसको, कार्बन किसी भी अच्छे सुंदर चित्र से। ये तो मैंने मोबाइल पर देखा था, इसमें गाय और श्री कृष्ण जी बने थे, हिरण और मोर और चिड़िया मैंने अलग से बनाई, तो उन सबको बनाकर मैंने इसको कलर भी कर दिया जिससे कढ़ाई करते समय मुझे ये अनुमान रहे कि कौन कौन से कलर की कढ़ाई करनी है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें बहुत सारे स्टिचेस का प्रयोग किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं कभी ये बना करके भी आप लोगों को दिखा दूंगी। इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये देखिए, राधा रानी की चोटियाँ मैंने अलग से बनाई हैं जो हिलती डुलती भी हैं। तो ये ऐसा सब चीज़ें बनाने से, कुछ भी क्रिएट करने से, एक तो आपकी क्रिएटिविटी को सुख मिलता है और कुछ करने का संतोष होता है। फिर मेरी एज में ऐसा है ना कि पता नहीं कब तक हम लोग रहें, तो बाद में बच्चे याद तो करेंगे ना हम लोगों को देख करके ये सारी चीज़ें। तो बनाइए आप लोग भी, और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये पूरा का पूरा चित्र बनाने में एक हफ्ते का समय लगा और ढेर सारे सूती धागे खरीद लिए और ये चित्र बनाया। इसमें मैंने जंजीरे वाली जो स्टिच होती है, चेन स्टिच, वो यूज़ की है, और फूल बनाने के लिए सैटन स्टिच और बहुत सारे और नए नए तरीके के फूल बनाने के लिए स्टिचेस यूज़ की है, मोर बनाने के लिए की है। और हाँ, जो राधा कृष्ण जी का मुंह था, फेस जो था, वो बनाने के लिए मैंने फेल्ट पेपर का यूज़ किया है, उस पर मैंने पेंट किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसे काटती तो वो शायद उतने सुंदर ना लगते, तो इसलिए मैंने उन पर फेल्ट पेपर चिपका करके और फिर से उसके ऊपर पेंट कर दिया है। तो देखिए, और इससे प्रेरणा लेके आप लोग भी कुछ ना कुछ बनाइए। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर से आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी। और हाँ, बच्चों को गिफ्ट देने के लिए ये बहुत सुंदर ऑप्शन हो सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कढ़ाई आती है तो आप कढ़ाई करके बच्चों को गिफ्ट में दे सकते हैं। अगर आपको बुनाई आती है तो आप वो कर सकते हैं, पेंटिंग कीजिए, कुछ भी करिए। मैंने पहले भी अपनी बड़ी बहू के लिए एक ये राधा कृष्ण जी का चित्र बनाया था जिसमें वो तालाब के किनारे पर बैठे हुए थे, और वो मैंने जो अपना दूसरा चैनल है सरोजेंद्र उस पर डाला है, आप उसे भी देख सकते हो। और इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जैसी बना सकते हो। आजकल इन सब चीज़ों का फिर से फैशन आ गया है और बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करते हैं। और हाँ, मैंने जो लिखा है ना, एम्ब्रॉयडरी फॉर रिलैक्सेशन, तो सच में ये काढ़ के मुझे भी बहुत सुख मिला, बहुत रिलैक्स फील हुआ। तो आप लोग भी बनाइए। ये मैंने पहले अपनी बड़ी बहू के लिए बनाया था, इसमें राधा कृष्ण जी तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स मैंने बनाए थे, कमल के फूल वगैरह। तो आप इसको भी जा कर के मेरे सरोजेंद्र नाम वाले चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं इनको बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी। और हाँ, कहते हैं ना, जैसी सास वैसी बहू, तो ये दोनों चित्र मेरी दोनों बहुओं ने बनाए हैं। अगर खुद खुश रहना है और बहुओं को भी खुश रखना है तो हमेशा बिजी रहिए, बिजी बी की तरह। बाय।